प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के दौरान चुने गए मंत्रियों को लेकर किसी प्रकार कोई असंतोष नहीं है, ये कहना है भाजपा के प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे का। अपने दौरे के दौरान वन विभाग के विश्राम गृह में पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि 44 विधायकों में से 11 विधायकों को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सका था, जिसके लिए सभी समाज और क्षेत्र का ध्यान रखते हुए मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि फिर भी कहीं कोई छूट गया है तो उसकी चिंता सरकार भी करेगी और पार्टी की मुखिया भी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा को 2/3 बहुमत के साथ जीत प्राप्त हुई है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता में भी प्रसन्नता का भाव है। वहीं जीत और हार को लेकर उन्होंने कहा कि पार्टी जीतने वाली और हारने वाली हर सीट पर मंथन करेगी और उन पहलुओं पर गहन विचार किया जाएगा जहां पार्टी को हार देखनी पड़ी है। वहीं नूरपुर से नव निर्वाचित विधायक राकेश पठानिया ने मंगल पांडे का स्वागत किया और कहा कि अगर प्रदेश में भाजपा को इतनी शानदार जीत हासिल हुई है तो इसका श्रेय मंगल पांडे को जाता है। संतोष नहीं है, आप ये क्यों नहीं समझ रहे, सबसे बड़ा संतोष आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को भाजपा की सरकार बनने का है। और भाजपा की सरकार तब बनी जब 2/3 बहुमत आया, 2/3 बहुमत तब आया जब जनता ने समर्थन दिया। आज हर एक कार्यकर्ता उल्लासित है कि उसका मुख्यमंत्री इस प्रदेश के अंदर है, उसकी सरकार इस प्रदेश के अंदर है। जो एक भ्रष्टाचारी सरकार थी, जो एक माफियाओं के हाथ में सरकार थी, माफिया सरगना जिसे चलाते थे, आज उससे मुक्ति की जो इच्छा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रखते थे, आज उस इच्छा को हिमाचल की जनता ने पूरा किया है। जहां तक मंत्रिमंडल बनाने का सवाल है, यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। मुख्यमंत्री जी, मैं समझता हूं अपने तरीके से उन्होंने सभी चीजों में तालमेल बिठाने का प्रयास किया होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 विधानसभा क्षेत्र है, हमारे 44 सदस्य जीत के आए हैं और मंत्री 11 लोगों को बनाना था, उसमें क्षेत्र का, समाज का, संगठन का सब तालमेल बिठाने का प्रयास उन्होंने किया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई छूट गया है तो उसकी चिंता पार्टी भी करेगी और उसकी चिंता सरकार के हमारे मुखिया भी करेगी। नहीं, पार्टी जीत का भी मंथन करती है और हार का भी मंथन करती है। हम जीत का भी मंथन करेंगे और हार का भी मंथन करेंगे। ऐसा नहीं कि जो सीट जीत गए उसकी मंथन नहीं करेंगे, जो सीट जीते हैं उसका भी मंथन होता है और जो हारते हैं उसका भी मंथन।